अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके पास आए हैं और बहुत ही मज़े की वीडियो है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे आपके मुंह में पानी आएगा कि आज हम मौजूद हैं अंदरून लाहौर में, जो बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान के वस्त में आता है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का नाश्ते हैं और पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। आज हम नाश्ता भी करते हैं, लोगों का इंटरव्यू भी करते हैं, साथ शॉप वालों का से भी पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं आज अपना लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑनर आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आसिफ लियाकत, उस्ताद फज्जा साहब दादा जान थे मेरे जनाब। अच्छा, ये फज्जा जो नाम है ये किसका मतलब क्रिएट किया हुआ? ये इस तरह है कि उनका सही नाम फजल दीन था, उनका निक नेम फज्जा था, प्यार से उन्हें फज्जा कहा जाता था। अच्छा, ये आपका यानी कि खानदानी काम है? खानदानी काम है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये तकरीबन 65 साल पहले मेरे दादा जान उस्ताद फज्जा साहब ने ये कारोबार शुरू किया। उन्होंने जिंदा दिलाने लाहौर के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ जायके का, म्यार का, मोहब्बत का एक रिश्ता बनाया। हमारी भी यही कोशिश है कि उसी जायके को, उसी रवायत को, उसी मोहब्बत को जिंदा रखें, बरकरार रखें। तो आप ये बताएंगे इसकी क्या रेसिपी? और मैंने देखा है माशाल्लाह आज यहाँ पे रश भी बहुत है, काफ़ी जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, अंदर भी बाहर भी रश ही रश है आपकी शॉप पर। तो क्या इसकी रेसिपी है, कोई शेयर करेंगे लोगों से? सर, इसमें यह है कि तकरीबन 3.5 से 4 घंटे ये मुसलसल पकता है मसाला जात के मौजूद में, जिससे पायो की यखनी निकलती है, जिसका हम शोरबा तैयार करते हैं। इसमें लहसुन और दही का ज़्यादा इस्तेमाल है, जो कि कल के लिए वैसे बड़ा मुफीद है। और आज संडे का रोज़ है, पूरे लाहौर से लोग नाश्ते के लिए आ रहे हैं। पाए वो अपनी रेसिपी से खुद ही तैयार करते थे। फिर सीक्रेट इन्ग्रीडियंट था टीस्पून ऑफ लव, वो उसी मोहब्बत के साथ ये पाए तैयार करते थे जनाब। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम बरकरार रखें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से रजिस्टर शुदा है, फर्म रजिस्टर्ड है, ये कोई असली फसली नस्ली लिख के बैठ जाते हैं। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल ज़रूर करते हैं जनाब, करके फिर बंद करवा देते हैं जनाब। उन्होंने चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा फरहान। अच्छा फरहान, अच्छा फरहान भाई, ये जो फज्जा पाए है और जितना भी अंदरून लाहौर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जिंदा दिलाने लाहौर ये अपना शहर है और फज्जा स्पेशली बहुत यानी कि फेमस है लाहौर का नाश्ता। मतलब और भी मैंने देखा रशी एरिया, जैसे वो ताजमहल आगे हलवा पूड़ी वाले हैं, उसके अलावा दूसरे जो और भी नाश्ते वाले हैं, यहाँ पे हर जगह रश ही है। नहीं, एक ब्रांच इनकी आगे भी है लेकिन ये मान नहीं रहे, कह रहे हैं हमारी यही है। तो इनका कैसा टेस्ट है आपको? मतलब लाहौरी तो आपको पता खाने के शौकीन होते हैं। इनका टेस्ट बहुत डिलीशियस है यहाँ का। वालेकुम सलाम। आप लेके आए हैं ना? जी जी, मैं ही लेके आया। अच्छा बॉस, आप कब से मतलब के यहाँ पर आ रहे हैं और कैसा इनका टेस्ट है? चने अच्छे हैं, पाए अच्छे हैं? मतलब क्योंकि हमने भी नाश्ता करना ना, तो मैं चाह रहा था कि हम क्या टेस्ट करें इनका। टेस्ट है ना, टेस्ट जहाँ पे जाएगा हम वहाँ भी जाते हैं, फूड लवर हैं लाहौरी। बिल्कुल, ये देखें जी लाहौरी जो है फूड लवर है। और एक और भाई है, देखें ये भी पाए खा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बॉस, कौन सा पाया लगाया, चिकन का या बकरे का? चिकन का पाया खाते हो गया। अच्छा आप क्या कहेंगे इनके टेस्ट के बारे में फज्जे का, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी रश है और हर बंदा नाश्ता कर रहा है सुबह का टाइम। सॉरी आपको भी डिस्टर्ब किया, तो कैसा टेस्ट आपको लगता है यहाँ का? माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा, इसलिए तो हम आते हैं इधर। तो सेहत आपकी क्यों ऐसी है पाए खा के भी? तो हम वॉक भी जाते हैं ना डेली, इसलिए। अच्छा वॉक भी करते हैं। कितने पाए खा लेते हैं एक दिन में अगर इधर आ जाएँ? यही है बस, क्वार्टर खा लेते हैं। नहीं मैं नहीं मांगता आपसे, आप क्वार्टर ऐसे कह रहे हो, तो पता नहीं मैं मंगल लग गए। अच्छा चलो आ जाओ बैठ जाओ, मजाक कर रुख यार। वो अपने जो इनके दोस्त हैं वो देखें ये क्या हरकतें हो रही हैं, वो अपने नाश्ते में मगन है और यार वो आगे उसकी सेहत देखो, और आप ऐसे कर रहे हो। हर संडे आते हैं यहाँ पे खाना, तो मतलब क्या बजट होता है आप लोगों का कि यार इस बजट में हम पायशा भी खा लें, नाश्ता हैवी हो जाए? जब हम खाने के लिए आते हैं ना, हम बजट नहीं देखते बस। मतलब जेब में पैसे भी ना हो तो आप कहते हैं हम खाने के लिए जा रहे हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या हुआ? $100 इतना महंगा पाया है यहाँ? यस। तो कब से आ रहे हैं? काफ़ी देर हो गई है। मतलब घंटा हो गया? नहीं नहीं, घंटा तो नहीं कह सकते, काफ़ी देर से आ रहे हैं। काफ़ी देर से आ रहे हैं, कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गया। तो किसने बताया था और हिस्ट्री के बारे में पता है इसकी के क्या मतलब क्या? हमें बस दिल किया आ गए, यहाँ मर्जी से खा चीज़ें खाते हैं, फिर हिस्ट्री का नोट नहीं ना रहता, फिर ये बस खाते हैं।